Hey everyone, welcome to Biology at Ease. This video is part 1 of Reproduction Quick Revision Notes series. इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में नीट 2020 में पूछे जा सकते हैं, उन सबको नोट करेंगे. सो दिस इज पार्ट 1 जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में मैं बाकी कॉन्टेंट पे फोकस करूंगी. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोनाड्स से. GONADS, गोनाड्स. गोनाड्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. मेल गोनाड्स आर नोन एज टेस्टीज, वेयर एज फीमेल गोनाड्स आर नोन एज ओवरीज. ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी लेकिन आपको पता होनी चाहिए. अब जो आपके गोनाड्स होते हैं, चाहे वो टेस्टीज हैं चाहे ओवरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो आपके गोनाड्स होते हैं वो बॉडी के किस लेयर से डिराइव होते हैं. एक्टोडर्मल होते हैं, मेसोडर्मल होते हैं या एंडोडर्मल होते हैं? तो गोनाड्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. जो आपके गोनाड्स होते हैं, चाहे वो मेल गोनाड्स हो या फीमेल गोनाड्स हो, वो हमारी बॉडी की मेसोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं. अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनाड्स क्या होते हैं? टेस्टीज. टेस्टीज आर द गोनाड्स या फिर मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टेस्टीज को और क्या कहा जाता है, आप नोट करेंगे. टेस्टीज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्कियम. ORCHIUM, ORCHIUM. टेस्टीज आर ऑल्सो नोन एज ORCHIUM. टेस्टीज का डेवलपमेंट कहाँ होता है, इसे नोट करेंगे. इनिशियली टेस्टीज डेवलप इन अपर एब्डोमिनल कैविटी. एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपकी टेस्टीज कहाँ होती है? अपर एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती हैं. लेकिन जैसे ही फीटस 7th मंथ में पहुंचता है, ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट द टेस्टीज डिसेंड्स थ्रू इंग्विनल कैनाल एंड रीच स्क्रॉटम. अब जब जो अडल्ट मेल होता है उसकी टेस्टीज कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है. और स्क्रॉटम कहाँ होता है? बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है. स्क्रॉटम क्या होता है? एक पाउच स्ट्रक्चर होता है which contain the testes. हम ये पढ़ते आए हैं अभी तक. हमने क्या पढ़ा है? Scrotum is a bag-like structure which lies outside the abdominal cavity. लेकिन बचपन से ही, initial stage से ही आपका जो testes होती हैं वो scrotum में located नहीं होती है. Initial fetal development के stage में क्या होता है? Testes upper abdominal cavity में located होती हैं. और जैसे ही male fetus क्या होता है, 7th month में पहुंचता है, तो testes एक tube से, जिसे inguinal canal कहते हैं, उन ट्यूब से आपके स्क्रॉटम रीजन में ट्रांसफर हो जाती हैं. सो टेस्टीज एट 7 मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट डिसेंड्स फ्रॉम द अपर एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रॉटम थ्रू इंग्विनल कैनाल. आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी ट्यूब है, कौन सी ऐसी डक्ट है जो कि टेस्टीज का ट्रांसफर करती है अपर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटम में इंग्विनल कैनाल. और ये कब होता है? ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट. अब जो ये टेस्टीज हैं, ये हमेशा अपर एब्डोमिनल कैविटी में ही क्यों नहीं लोकेटेड होती हैं, ये क्यों स्क्रॉटम में ट्रांसफर हो जाती हैं, इसके पीछे एक रीजन है. टेस्टीज का फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करें? स्पर्म्स बनाएं, स्पर्मेटोजेनेसिस करें. तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, इट शुड बी लेस देन 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस, लेस देन द नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर. जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. इसीलिए क्या होता है, टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती हैं स्क्रॉटम में, ताकि लेस टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके. तो आप नोट करेंगे, टेस्टीज आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रॉटम दैट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पर भी वाइवा में पूछा जाता है, आपको बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में या फिर एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में, आप बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, कि टेस्टीज स्क्रॉटम में क्यों प्रेजेंट होती है, हमेशा अपर एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं रहती है. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिप्टोर्किडिज्म की. आप स्पेलिंग नोट करेंगे, CRYPTORCHIDISM. क्रिप्टोर्किडिज्म एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है,
failure of testes to descend into scrotum region even after birth is known as cryptorchidism. हम क्या कहते हैं, normally males के केस में क्या होता है, जब fetus 7 month में होता है development stage की, तो आपकी जो testes होती हैं, वो क्या करती हैं, upper abdominal cavity से scrotum में आ जाती हैं. लेकिन अगर testes upper abdominal cavity से scrotum में नहीं transfer होती हैं, तो इन males को क्या कहते हैं, ये males आपके sterile होते हैं, वो reproduce नहीं हो सकते. Such males are sterile और इस phenomenon को कहते हैं cryptorchidism. Cryptorchidism is the failure of transfer of testes from upper abdominal cavity into the scrotum region. क्या कहते हैं इसे, cryptorchidism. अब जो testes होता है, testes जो होते हैं, उसका जो superior pole होता है, the superior pole of the testes is attached to spermatid cord made up of cremastric muscle. ये बहुत important है, पूछा जाता है, testes जो होती हैं, हमारे पास जो human males होते हैं, उनके पास कितनी testes present होती हैं, a pair of testes, दो testes present होती हैं, oval shape की ये testes होती हैं. अब जो ये testes होती हैं, इनका जो superior pole होता है, वो किससे attached होता है, spermatid cord. और ये spermatid cord किस चीज से बनी होती हैं, they are made up of cremastric muscle, cremastric, cremastric muscle. ये cremastric muscle क्या करती हैं, testes के temperature regulation में help करती हैं. तो superior pole of the testes is attached to spermatid cord, which is made up of cremastric muscle. जो testes का inferior pole होता है, वो attached होता है gubernaculum cord, GUBERNACULUM, gubernaculum, CORDITZ, cord. अब जो ये आपके gubernaculum cord होती है, वो किस चीज से बनी होती है, it is made up of elastic connective tissue. तो testes की superior pole spermatic cord की बनी होती है, whereas the inferior pole of the testes is attached to gubernaculum cord, which is made up of elastic connective tissue. जो आपकी testes होती हैं, वो roughly oval shape की होती हैं. Testes का जो superior pole होता है और inferior pole होता है, वो क्या होते हैं, cord से attached होते हैं. Superior pole of the testes is attached to spermatid cord, whereas inferior pole of the testes is attached to gubernaculum cord. आपको ये question बहुत important है, आप note करेंगे, star mark करेंगे, कि किन organisms में testes intra-abdominal होती है. हम humans के case में क्या कहते हैं, कि testes क्या होती हैं, scrotum में transfer हो जाती हैं. जैसे ही human क्या होता है, 7th month में पहुंचता है, testes abdomen से बाहर आके scrotum में shift हो जाती हैं. लेकिन कुछ organisms होते हैं, जिनके case में testes abdomen में ही रहती हैं हमेशा, and such testes are known as intra-abdominal testes. तो कौन से organisms के पास intra-abdominal testes होती हैं, आप note करेंगे, in case of elephants as well as aquatic mammals like whales, the testes are intra-abdominal. अब बात करते हैं testes के structure की. Testes की दो layer होती हैं, ये आपके testes हैं. Testes are made up of two layers. The outer layer of testes is known as tunica albuginea and it is the strongest layer, whereas the inner layer of testes is known as tunica vaginalis. Testes के अंदर 250 compartments present होते हैं. These compartments of the testes are known as testicular lobules. अब जो आपके testicular lobules होते हैं, आप ये imagine कर लीजिए, ये आपके testes हैं, इनके अंदर क्या है, compartments present है. हर एक compartment को क्या बोलते हैं, lobule कहते हैं. Now, inside each testicular lobule, 1 to 3 seminiferous tubules are present. Testes के 250 compartment होते हैं, हर compartment के अंदर 1 to 3 seminiferous tubules होती हैं. तो on an average हम कह सकते हैं कि total number of seminiferous tubule testes में कितनी होती है, 900. Very important. Seminiferous tubules के अंदर जो दो cells present होते हैं, उनके नाम note करेंगे, male germ cells which are known as spermatogonia and Sertoli cells. Outside seminiferous tubules, ये तो बात थी seminiferous tubules के अंदर के cells की, लेकिन seminiferous tubules के बाहर भी cells present होते हैं, which are known as Leydig cells और interstitial cells. Outside the seminiferous tubules, LEYDIG, Leydig cells और interstitial cells are present. और ये क्या करते हैं, they secrete androgen. तो seminiferous tubules के अंदर spermatogonia और Sertoli cells होते हैं, seminiferous tubules के बाहर Leydig cells होते हैं, जिन्हें की interstitial cell भी कहा जाता है. अब function note करते हैं Sertoli cells का. Sertoli cells को और क्या कहा जाता है, आप note करेंगे, very important. Sertoli cells को nerve cells या फिर subtentacular cells भी कहा जाता है. Other name for Sertoli cells is nurse cell या फिर subtentacular cell. Sertoli cell के दो major functions होते हैं. पहला,
इट सिक्रीट्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसे कि एबीपी कहा जाता है. सर्टोली सेल्स सिक्रीट एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि क्या करता है दैट कॉन्सेंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब आप देखिए क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है. सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एंड्रोजन सिक्रीट हो रहा है. एंड्रोजन्स के अंडर कौन से हार्मोन्स आते हैं, टेस्टोस्टेरोन. ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर एंड्रोजन सिक्रीट हो रहा है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, सर्टोली सेल. सर्टोली सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं ताकि जो ये बाहर एंड्रोजन है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो जाए. क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रीट करते हैं. ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाहर के एंड्रोजन को अंदर लेकर आते हैं. अब जब ये बाहर का एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन अंदर आ गया है तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन अब स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा. दूसरा क्या फंक्शन होता है सर्टोली सेल्स का, सर्टोली सेल्स सिक्रीट्स इनहिबिन दैट रिड्यूसेस एफएसएच सिक्रीशन एंड स्लोस डाउन स्पर्मेटोजेनेसिस. अब ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस ना हो इसलिए सर्टोली सेल्स इनहिबिन हार्मोन भी सेक्रीट करता है जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट करता है ताकि ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस ना हो, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए. सर्टोली सेल्स एबीपी सेक्रीट करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है और यही सर्टोली सेल्स इनहिबिन भी सेक्रीट करते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को स्लो डाउन भी करता है. पाथवे ऑफ स्पर्म नोट करेंगे, स्पर्म्स का पाथवे क्या होता है, मेल बॉडी से स्पर्म इजैकुलेट कैसा होता है, क्या पाथवे होता है. पहले स्पर्म्स कहां बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, देन दे मूव टू ट्यूबुलर रेक्टाई, फिर रेटी टेस्टिस, वास इफरेंशिया, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड देन एग्जिट्स फ्रॉम द बॉडी. तो ये था पाथवे ऑफ स्पर्म. आपको इसका सीक्वेंस आना चाहिए क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इस ऑर्गन के बाद स्पर्म्स कहां ट्रांसफर होते हैं. तो यू शुड नो द पाथवे ऑफ द स्पर्म्स. साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स कहां मैच्योर होते हैं, एपिडिडिमिस में. स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स मेल बॉडी में कहां स्टोर होते हैं, वास डिफरेंस में. ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां पर स्पर्म्स गेन द एबिलिटी ऑफ स्विमिंग, एपिडिडिमिस. जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं. मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास टेल होती है. तो स्विम करने की कैपेबिलिटी उन पे कहां से आती है, एपिडिडिमिस से आती है. मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स एंड द एबिलिटी टू स्विम कहां होता है, एपिडिडिमिस में. स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स कहां होता है, वास डिफरेंस में. अब बात करते हैं हम ग्लैंड्स की, जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल्स कितने परसेंट सीमेन सेक्रेट करते हैं, 70%. प्रोस्टेट ग्लैंड कितने परसेंट करते हैं, 20%. जो आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं उन्हें हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं. जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड ग्लैंड होता है. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जैसे कि कॉर्पस ग्लैंड भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो अ पेयर्ड ग्लैंड. 70% सीमेन सेमिनल वेसिकल सेक्रीट करते हैं, 20% सीमेन प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रीट करते हैं. जो आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, दे सेक्रीट द एल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल एंड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्स. इरेक्शन ऑफ पीनिस में कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पीनिस, वेयर एज इजैकुलेशन ऑफ पीनिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम. ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर पीनिस के इरेक्शन के लिए पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, वेयर एज सीमेन इजैकुलेट करने के लिए सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट करेंगे. आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जो भी आपने पॉइंट्स नोट करे हैं उनको एक बार ढंग से पढ़िएगा. अगर कोई भी पॉइंट स्किप हुआ है वीडियो को रिप्ले कीजिएगा और हर एक पॉइंट को रीचेक करिएगा ताकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सारी वैल्यूज ढंग से नोट करी हो, ये आपको पता चल सके. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एटीज फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.